Hey guys, what's up? So मुझे कहा गया था कि मैं law of return समझाऊँ. आज सारी requested video का दिन है. I guess अभी एक दो और videos रहती हैं जो कि requested हैं मुझसे. देखिए मेरे पास पूरी list बनी हुई है, ठीक है? ये देखें, law of marginal utility and types of economic analysis. पूरी कोशिश है कि मैं ये videos भी समझाऊँ और बनाऊँ soon. बट राइट नाउ अभी हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिटर्न. लॉ ऑफ रिटर्न क्या है कि आप अपने इनपुट में जो चेंज करें उससे आपका आउटपुट चेंज हो. कितना चेंज होता है, किस स्केल मेजरमेंट रेट, किस रेट पे चेंज हो रहा है आपका आउटपुट बिकॉज ऑफ इनपुट, ठीक है? तो वो आपका लॉ ऑफ रिटर्न है. इसकी तीन टाइप्स हैं. एक है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. इसका मतलब ये है कि आपने अपने जो फॉर एग्जांपल लेबर, यूजुअली आपके जो हैं दो लेबर बना रहे थे 10 प्रोडक्ट, आपने दो लेबर और इंक्रीज किए और वो अब आपके बना रहे हैं 35 प्रोडक्ट्स. तो वो क्या है, आपने दो लोग बढ़ाए, यानी आपने 10 इनपुट के जितने 10 आउटपुट जितने इनपुट बढ़ाया मगर वो आपको 15 का इनपुट दे रहा है, तो वो आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो जाएगा. वो आपको बहुत ज़्यादा इंक्रीज दे रहा है. उसके बाद आता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल. अब आपने दो बढ़ाए तो आपके 10 ही प्रोडक्ट और बढ़े. जितना आपने इनपुट डाला उतना ही आउटपुट आया, ना ज़्यादा तो ना कम. अब इसमें तीसरा आ जाता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल. अब यहाँ पे गड़बड़ वाली बात है. मतलब अगर आपने इनपुट, जैसे कि मैंने कहा दो लोग 10 प्रोडक्ट बना सकते थे, आपने दो और लोगों को हायर किया और वो सिर्फ बनाने लगे 5 प्रोडक्ट, तो ये आप पे डिमिनिशिंग रिटर्न आ गया. आप इनपुट इंक्रीज कर रहे हो मगर वो उतना इंक्रीज नहीं कर रहे आपके आउटपुट को, वो लोअर रेट पे आउटपुट के जब इनपुट से कंपेयर करेंगे तो डिमिनिशिंग में वो एक लोअर रेट पे आउटपुट बढ़ाएगा. अगर वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में होगा तो वो जितना आउटपुट, जितना इनपुट आप बढ़ाएंगे उतना ही आउटपुट बढ़ेगा. इंक्रीजिंग में आप इनपुट जितना बढ़ाओगे उससे डबल या एक उससे बड़े रेट पे आपका आउटपुट बढ़ेगा. इसके क्वेश्चंस मोस्टली आ जाते हैं कि पूछ लिया जाता है कि आप कि इनके और डिफाइन करें, और दूसरा आ जाता है कि आपको सिचुएशंस दे दी जाती हैं और आपको बताना होता है कि वो कौन सा रिटर्न टू स्केल है. मैंने तो यही देखा है, और कोई क्वेश्चंस आते होंगे तो आई डोंट नो. बट या दैट्स इट अबाउट दिस टॉपिक. आई होप समझ आया. अगर आया तो सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट एंड शेयर. देखो यार, शेयर कर दिया करो, मेरी बहुत हेल्प हो जाती है, ठीक है? दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप इट वॉज ईजी एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय गाइज़.